कथित तौर पर कोल लेवी घोटाले में लिप्त सूर्यकांत तिवारी से मिलने आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा द्वारा कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा केवल अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और यह कांग्रेस और भूपेश बघेल के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हर एक अपराधी कांग्रेसी है। अपनी नाकामी को दबाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरे तरफ भटकाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है ताकि हमारे खिलाफ कोई बोल ना सके, इसलिए सबका मुंह बंद करने का ये काम ये विष्णु देसाई सरकार कर रही है। वो तो वहाँ एक नंबर और दो नंबर के टारगेट में रहा, इसका थोड़ी टारगेट में रहूँ, उनके टारगेट रहा 5 साल रहा और अभी भी हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति इस देश का कानून और संविधान इतना मजबूत है कि कोई गलत तरीके से किसी को टारगेट नहीं कर सकता। कांग्रेस ने जरूर टारगेट करने का प्रयास किया था लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। इसलिए हमारा स्पष्ट मत है कि कोई भी निरपराधी या जिसने अपराध नहीं किया है उसको कभी टारगेट या बदले की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि यदि वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं तो मन में कोई बात होगी उनकी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है और वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर एक अपराध जो कि शासन के टेबल तक आता है, किसी के चेहरे को, किसी के कद को देखकर ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी।